हे गाइस, आप देख रहे हैं फिफ न्यूज। आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में। डंकी का एडवांस बुकिंग दोस्तों धीरे धीरे ओपन हो रहा है और चारों तरफ भगवा भगवा ही नजर आ रहा है। कहने का मतलब दोस्तों कि फास्ट टिकट बिक रहे हैं इसके और बहुत जल्दी जल्दी शो हाउसफुल हो रहे हैं। अगर हम सिर्फ PIC के बारे में बात करें, PVR, आईनॉक्स और सिनेपोलिस के, तो तकरीबन दोस्तों 3000 टिकट इसके बिक चुके हैं। यानी 3000 टिकट सिर्फ PVR, आईनॉक्स और सिनेपोलिस में बिके हैं और बुक माई शो पे काफी रफ्तार में टिकट दोस्तों बेचे जा रहे हैं। टिकट ऑडियंस ले रही है फिल्म को देखने के लिए, बहुत ही रफ्तार के साथ दोस्तों टिकट ले रही है। अगर हम ध्यान दें जयपुर में, तो राजमंदिर बहुत ही बड़ा सिंगल स्क्रीन से और लगातार 3 दिन तक दोस्तों हाउसफुल हो चुका है। यानी कि जो राजमंदिर है वहां पे लोग डंकी देखने पहुंचेंगे। सभी को लग रहा था कि सलार लगाएगी क्योंकि सिंगल स्क्रीन से, लेकिन वहां डंकी लगाई है और 4 शो हैं दोस्तों और चारों ही हाउसफुल है। और सिर्फ एक दिन के लिए हाउसफुल नहीं है, ये 21 तारीख को भी हाउसफुल है, 22 तारीख को भी हाउसफुल है, 23 तारीख को भी हाउसफुल है। यानी 3 से 4 दिन तक हाउसफुल है और वहां के जितने फैंस हैं लगता है कि बल्क में जाकर टिकट ले लिया है, एक साल देखने के लिए वो तैयार है। ये फिल्म दोस्तों फैमिली इस फिल्म को सपोर्ट करेगी, मुझे लगता है कि फैमिली ऑडियंस आएगी। और अगर कोई फैमिली फिल्म होती है ना, तो एक साथ 2 टिकट बुक नहीं होते, एक साथ 10 टिकट, 5 टिकट, 20 टिकट ऐसे बुक होते हैं, पूरी फैमिली फिल्म देखने आती है। तो रिस्पॉन्स अभी तक बम्पर है दोस्तों, और मैं भी ये उम्मीद नहीं किया था कि भाई जवान पठान लेवल का हमें हाइप देखने को मिलेगा एडवांस बुकिंग जैसे ही ओपन होगा। और भाई एडवांस ओपन होते ही ये पठान और जवान की याद आ गई मुझे। और अगर हम बात करें टिकट प्राइस के बारे में, तो पठान सबसे ज्यादा जवान का था, उसके बाद पठान का था, और पठान से ये थोड़ा सा कम है। और इसके पीछे रीजन भी है कि शाहरुख खान चाहते हैं थोड़ा सा टिकट प्राइस कम रखना, क्योंकि एक तरफ तो क्लैश है और दूसरी तरफ फैमिली ऑडियंस को ये टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि फैमिली में एक साथ 10-12 लोग आते हैं फिल्म देखने के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा स्ट्रेटजी है, जो कि वर्ड ऑफ माउथ अगर इस फिल्म का अच्छा हुआ तो आगे दोस्तों 100% ये बेनिफिट देगा। तो आप कमेंट करके बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। राज मंदिर हाउसफुल हो चुका है, अब मैं देखूंगा मराठा मंदिर और बाकी के और सिंगल स्क्रीन्स, क्योंकि मल्टीप्लेक्स के तो बादशाह हैं शाहरुख खान। सिंगल स्क्रीन्स में ये फिल्म किस तरह परफॉर्म करेगी, क्योंकि ये कोई एक्शन फिल्म नहीं है। तो लगातार मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, आप लोग एक्टिव हो जाए दोस्तों, नगर में ढिंढोरा पिटवा दे। शाहरुख खान इस साल 3री बार ब्लॉकबस्टर देने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा दोस्तों इस फिल्म से उम्मीद है। अब देखते हैं कि ये फिल्म और किस तरह से एडवांस से टिकट बेचती है और कितने करोड़ का एडवांस अभी तक हो जाएगा। शाम तक मैं आपको अपडेट करूंगा। टेक केयर।